अब ये सारी चीज़ें जो माइंड ने इकट्ठी की हैं उसके उनके साथ लगा हुआ है ट्रांसेंडेंटल। वो क्यों लगा हुआ है ट्रांसेंडेंटल? कि ये सब चीज़ें जो हैं सेंसेशन जो डिफरेंट आते हैं हमारे पास, वो डिफरेंट सेंसेशन अलग अलग तो होते नहीं, वो इकट्ठे होकर हमारे सामने आते हैं एकदम वस्तु के रूप में, और हम उसको इमिजिएटली कोई नाम भी दे देते हैं, संतरा है। तो ये इतनी जल्दी कहाँ ऑर्गेनाइज हो जाते हैं? मैं चीज़ देख रहा हूँ कान में, उसकी आवाज़ आ रही है कड़ 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 कड़, आँख मेरी कह रही है कोई गोल गोल चीज़ रखी है, हाथ मेरे कह रहे हैं कोई हार्ड सी चीज़ है लेकिन बजती है, साउंड प्रोड्यूस करती है। ये सारे जो हैं ये कितनी देर में जोड़ोगे आप इनको? आप सोचते रहोगे कि इस साउंड को आँखों के द्वारा लगाऊं तो कितना, आधा घंटे का साउंड ही साउंड की रहेगी, आँखों का अलग से दिखाई देगा। लेकिन हमारे पास क्या आएगा? ढोलक। हमारे पास ऑर्गेनाइज होकर ढोलक दिखाई देगी हमें, हमें अलग अलग दिखाई नहीं देंगे कि आवाज़ अलग है, हम कहेंगे ढोलक। तो ये कहाँ से ऑर्गेनाइज हो गए? तो कहते हैं इसके जितने भी हमारे वो हैं सेंसेशन, वो सेंसेशन बड़े स्पष्ट होते हैं, इसलिए हमको, हम उनको प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, परसेप्शन नहीं कहेंगे, हम उनको कहेंगे अपरसेप्शन, सम प्रत्यक्ष, बिल्कुल डिनाइल विल नहीं होते हैं। बाहर से जो सेंसेशन आ रहे हैं, लॉक की ये बात सही थी बिल्कुल, क्योंकि कांट ये कहते हैं कि वाट एवर दे असर्ट इज़ राइट, वाट एवर दे डिनाइड इज़ रॉन्ग। डिनाइड वाला पोर्शन निकाल दो तो एम्पिरिसिज्म एक थ्योरी ऑफ नॉलेज बन जाएगी पक्की, डिनाइल वाला निकाल दो। और डिनाइल जब करोगे कि माइंड में कुछ भी नहीं है तो कच्ची, तो उससे फिर तुम एग्नोस वहाँ पहुँचोगे कि आपको नॉलेज ही पता नहीं लगेगी। तो इसमें से वो सारा जब आप लोगे कि हमें चीज़ दिखाई दे रही है और मीनिंगफुल दिखाई दे रही है, तो मीनिंग कहाँ से आ जाते हैं? मीनिंग आते हैं कि हमारे सेंसेशन बड़े ही विविड होते हैं और जिनको हम कंट्राडिक्ट नहीं कर सकते। आँख ने हरी हरी चीज़ देखी और मुझे कुछ हरी हरी चीज़ दिखाई दे रही है, इसको डिनाई नहीं कर सकते आप, है वो तभी तो दिखाई दे रही है। तो कहते हैं सारे अनडिनाइबल परसेप्शन जो हैं ये इतनी जल्दी कहाँ से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं? तो उसने कहा एक ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ए परसेप्शन से कोई चीज़, वो हमारे अंदर है मौजूद, वो माइंड के अंदर है एकदम जल को, और वो हमें दिखाई नहीं देती फैकल्टी, इसलिए हम उसको ट्रांसेंडेंटल कहते हैं, बियॉन्ड एक्सपीरियंस। ट्रांसेंडेंटल का मतलब कांट ये नहीं लेते कि कोई इस संसार से परे कोई चीज़ है, बल्कि ट्रांसेंडेंटल का मतलब है बियॉन्ड अवर एक्सपीरियंस। वो कैसे, किसने इनको सबको जोड़ दिया, डिफरेंट सेंसेशंस को, और उसके साथ साथ इंटरनल को भी जोड़ देते हैं कई बार। लाल रंग दिखाई देते ही मुझे एकदम खुशी पैदा हो गई मेरे, तो अंदर से रिफ्लेक्शन आया वो भी उसमें जुड़ गया। इंटरनल एक्सटर्नल सारे परसेप्शन जो है उनको जोड़ने वाली कोई चीज़ हमारे अंदर है, वो कभी भी एक्सपीरियंस में नहीं आती, वो पीछे ही रहती है हमेशा। ये जो ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ परसेप्शन है, इसी को हम आम भाषा में आई कह देते हैं, सेल्फ, आत्मा। ये दिखाई नहीं देती लेकिन कौन जोड़ रहा है सबको, इकट्ठा कौन कर रहा है? ऐसी ट्रांसेंडेंटल यूनिटी, वो ट्रांसेंडेंटल रहती है, इसलिए मार्क्स, इसीलिए टांग कांट कहते हैं कि ये चूंकि जजमेंट में, हर एक जजमेंट में इन्वॉल्व है लेकिन जजमेंट के अंदर दिखाई नहीं देती, तो कांट ब्रैकेट लगा देते हैं। जितने भी दुनिया के जजमेंट हैं उसमें आप ये कहो कि पता नहीं वो संतरा है या नहीं है, जैसे बर्कली कह रहे थे कि पता नहीं वो सेंसेशन जो संतरा फेंक रहा है मेरे पास, या कोई शैतान फेंक रहा है मेरे पास, या कोई डेमन फेंक रहा है, या गॉड फेंक रहा है सेंसेशन, इसलिए मैं कैसे कह दूँ कि वो कोई चीज़ है वहाँ, मैटर है ही नहीं। तो कैसे कहोगे कौन सी चीज़ कर रही है सारी चीज़? तो कहते ये जो चीज़ है ये एक यूनिटी की एक फैकल्टी है हमारे अंदर, ये माइंड के अंदर पहले से जन्मजात मौजूद है। वो जन्मजात जो है छोटा बालक भी सारे सेंसेशन को इकट्ठा कर लेता, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कर लेता, ऊपर खिलौना लटक रहा है बारह बच्चा हाथ उठा के उसको पकड़ लेता, ये हैंड का और आई का कोऑर्डिनेशन उसको किसने सिखाया, कहाँ से उसने अनुभव में आया,
ये सारा अंदर से कोई चीज़ ऐसी है जो इनको सबको यूनाइट कर लेती है। वो यूनाइट करने वाली चीज़ जो है वही आत्मा है, वो हमारी ट्रांसेंडेंटल आई है, जो हमें दिखाई तो नहीं देती लेकिन सारा पीछे से काम कर रही है। इसलिए वो कहता है हर जजमेंट में आप के क्या होता है, जब मैं कहता हूँ रोज इज रेड तो पूरा जजमेंट नहीं है, इसमें ब्रैकेट में इसको किसके पीछे लगाओ, आई नो दैट रोज इज रेड, जैसा मुझे पता है रोज पता नहीं रेड है या नहीं है, लेकिन जैसा मैं जानता हूँ, जैसा मेरी उस यूनिटी ने उनको यूनाइट किया है उसके हिसाब से रोज इज रेड। तो ये जो यूनाइटिंग फैकल्टी है ये आई है, और आई इज दी, कांट ने आई के साथ एम इस्तेमाल नहीं किया, आई इज दी फैकल्टी ऑफ ट्रांसेंडेंटल फैकल्टी, सारे इनको इकट्ठा करने वाली ट्रांसेंडेंटल यूनिटी ऑफ ऑल परसेप्शंस, ये ट्रांसेंडेंटल ही रहती है। आपको क्या पता अहल्या जो थी वो बेहोश पड़ी हुई थी, और कितने साल से पड़ी थी, 100 साल से पड़ी थी वो, सब उसको कह रहे अहल्या है अहल्या है अहल्या है। अब अहल्या जो है जिस दिन होश में आई भगवान राम के पैर लगे, और अहल्या ही होश में, तो राम ने उसको कहा अहल्या, तो कहने लगा जी इन्होंने लोगों ने मेरा नाम अहल्या रखा हुआ है, मैं अहल्या नहीं हूँ। तो राम ने कहा अच्छा 100 साल से तो लोग तुम्हें अहल्या कह रहे हैं, कहते बस लोग ही तो कह रहे हैं अहल्या, लेकिन इसके पीछे तो लोगों से कहो कि लोग अब ये कह दिया करें जैसा हम जानते हैं ये अहल्या है, आई नो दैट दिस इज अहल्या, तब तो इनकी बात ठीक है, नहीं तो मेरा नाम अहल्या थोड़ी है, ऐसे इन्होंने रख दिया। तो हर जजमेंट के पीछे आप छुपे रूप से कहना पड़ेगा, ये हमेशा छुपा रहता है, ये कभी दिखाई नहीं देता आई, ये आई हर जजमेंट के पीछे होता है, आई नो दैट मिल्क इज वाइट, आई नो दैट काउ इज क्वाड्रूपेड, तो ये आई जो है छुपा रहता है, इसलिए इसको ट्रांसेंडेंटल कहा, ये कभी अनुभव में नहीं आता, लेकिन हर जजमेंट के पीछे आई होता है। तो खड़ी होकर राम से कहने लगी मेरा नाम है बिनती करजोरी मैं मति भोरी, मेरा नाम भोलीमती है। अच्छा राम ठीक है भोलीमती, तुम्हारा नाम आज से भोलीमती हो जाएगा। तो ये जो सारे सेंसेशन आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं और कौन फेंक रहा है इसका मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन मुझे ये कि मैं ये जानता हूँ कि ये संतरा है, मैं जानता हूँ कि दूध सफ़ेद है, मैं जानता हूँ कि रोज है, लेकिन चूँकि ये मैं जानता जो हूँ ये पीछे छुपा रहता है, इतना जजमेंट से काम के चल जाता है कि दूध सफ़ेद है संतरा, तो इसलिए आई हमेशा छुपा रहता है। लेकिन ये आई जो है इज, कांट ने आई के साथ इज लगाया, इसलिए ट्रांसेंडेंटल कोई वस्तु है, एम नहीं है, कोई वस्तु है ऐसी जो सबको यूनाइट कर रही है, वो हमारे माइंड की फैकल्टी है। तो आई को सिद्ध कर दिया कांट ने। अब आत्मा सिद्ध हो गई तो और चीज़ें देखी जाएंगी बाद में, आज आत्मा को सिद्ध करके छोड़ दें, और यूनिटी को भी कि ट्रांसेंडेंट है। हालांकि कांट जब वहाँ पहुँचेंगे ना अपने मॉरल फिलोसफी में, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को खुद वो मॉरल फिलोसफी में काट देंगे, क्योंकि कांट से जब पूछा कि ब्यूटी का कंसेप्ट क्या है तुम्हारा, तो कांट चूँकि ऐसे एटमोसफेयर में रहे जहाँ जर्मन लोग जो थे बड़े टाइट, गवर्नमेंट का बड़ा टाइट लॉ बने हुए थे, सारे फ्रीडम को चाहते नहीं थे, तो कांट जो थे चाहते थे कि ह्यूमन फ्रीडम होनी चाहिए, तो उन्हें वो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती थी जहाँ फ्रीडम हो। तो कांट को जब पूछा, कांट को लोगों ने कहा कि क्रूशे ये कहते हैं जो एस्थेटिक्स के फादर हो, एस्थेटिक्स हैं, कि सिमेट्री ज़रूर होनी चाहिए ब्यूटी में। अब एक आदमी बड़ा गोरा है, रंग उसका बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी एक आँख इधर है और एक आँख इधर है, तो वो ब्यूटी सारी नष्ट हो जाएगी। और अगर सिमेट्री से लगी हुई है ब्यूटी, तो चाहे उसका रंग सांवला भी हो, अगर हर चीज़ में सिमेट्री है, नाक भी बड़ी सिमेट्रिकल है, कान भी बड़ी सिमेट्रिकल है, तो बड़ी सुंदर लगेगी उस। तो वो सिमेट्री को कांट जो है कहते हैं ये सिमेट्री ब्यूटी का साइन नहीं है, क्योंकि कांट ने एस्थेटिक्स का मतलब वहाँ लिया, ऑर्गेनाइजेशन, ब्यूटी नहीं लिया। तो कांट कहते हैं ब्यूटी का साइन क्या है, कहते मुझे सिर्फ दो ही चीज़ें ब्यूटीफुल लगती हैं दुनिया में, एक तो उसने कहा स्टारी हेवन, जहाँ सितारे किसी ना लाइन है कोई सितारों के, ना बिखरे हुए आसमान, कहते जहाँ बिल्कुल फ्रीडम है
वही चीज़ ब्यूटीफुल है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कही, मुझे दूसरी चीज़ क्या दिखी है, ये बिखरे हुए बाल हैं, स्कैटर्ड हेयर्स ऑफ ईस्टर्न ब्राइड। ईस्टर्न ब्राइड जो हैं, ईस्टर्न का मतलब था पर्शिया, ईरान, ईरान जितना वहाँ यूरोप में फ्रांस ब्यूटीफुल माना जाता है, एशिया में ईरान से ज़्यादा ब्यूटी नहीं है। तो कहते हैं ईरान की जो औरतें हैं उनकी बिखरी हुई जुल्फ़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, जब वो जुल्फ़ें बिखेर देती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं बिखरी हुई जुल्फ़ों से। आजकल तो खैर वो बिखरी हुई जुल्फ़ें रही नहीं, आजकल तो लोग बांध बूंद के जूड़ा जूड़ा बना लेते हैं, लेकिन कांट के ज़माने में जुल्फ़ों के लिए बड़ा, सारी शायरी जुल्फ़ों से बनी है। तो कांट को क्या लगता था, जब जुल्फ़ें होंगी बनी हुई। अब इस जुल्फ़ के बारे में एक बात मैं बताऊँ आपको कि किसी आदमी को आप बहुत परेशान हैं, बहुत जगह जगह बड़ी परेशानी में घूम रहे हैं, एंग्जाइटी में, तो मैं आपको देख के खुश होऊंगा या दुखी होऊंगा? मैं तो आप दुखी होऊंगा, लेकिन एक चीज़ ऐसी है जिसको परेशान देख करके लोग बड़ा खुश होता है। तो कहता है तेरी जुल्फ़ों की परेशानी से दिल आसूदा है, तेरी जुल्फ़ों को परेशान देख के मेरा दिल बड़ा प्रसन्न हो जाता है। तो तेरी जुल्फ़ों की परेशानी से दिल आसूदा है, काश ऐसी ही कोई होती परेशानी मुझे, ऐसी कोई परेशानी मुझे भी आ जाए कि परेशानी में दिल मेरा खुश हो जाए। तो कांट को क्या लग रहा है खूबसूरत चीज़, ईस्टर्न ब्राइड की बिखरी हुई जुल्फ़ें, क्योंकि कांट ने फ्रीडम को चाहता है, कांट चाहता है फ्रीडम है, जहाँ जहाँ फ्रीडम है वहीं। तो इसलिए अब कांट के सारे जो हैं, ये यूनिटी जो हुई है, इस यूनिटी को साथ देखेंगे कि कांट में जब ये निर्णय भी बारे हैं सारे, और यूनिटी करने वाली चीज़ है, तो माइंड के अंदर कैटेगरीज, वो लाइनें जो हैं, चैनल वो जो बने हुए हैं हमारे मन के अंदर, नालियाँ ग्रूव बने हुए हैं, वो ग्रूव कौन कौन से हैं। तो कांट फिर माइंड की फैकल्टीज़ को, असल में दिक्कत ये है कि इन लोगों ने माइंड की पावर को नहीं समझा, क्योंकि माइंड दिखाई नहीं देता। इसलिए कांट ने कहा कि वाट एवर दे असर्ट इज राइट, वाट एवर दे डिनाई इज रॉन्ग। वो फेल कहाँ हुए, अपने जो डिनाई कर रहे थे उसमें फेलियर हो गए, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए था। लेकिन जो चीज़ असर्ट कर रहे थे, नॉलेज तो बाहर से ही आती है, यहाँ तक राइट है वो। तो अब इसमें चलेंगे कौन सी कैटेगरी में से निकल के हमारा सारा जजमेंट आएगा।